हेलो एवरीवन, टुडे वी आर सीइंग अवर न्यू टॉपिक। नया प्लेलिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग। ये अकॉर्डिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग सिलेबस हम ये जो सीरीज है स्टार्ट करने वाले थे। इसके अंदर जस्ट लाइक जो भी हम नंबर्स ऑफ लेक्चर्स होने वाले सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जस्ट लाइक 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम एक स्पेसिफिक जो टॉपिक होगा हमारा वो कवर करेंगे, तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। स्पेसिफिक जो हमें टॉपिक पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो टॉपिक हम जो टाइटल वाइज देख सकते हैं एंड उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। उस पर्पज के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स होंगे हमारे या जो मेन कीवर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन लेक्चर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो प्लेलिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है एंड फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्यों इन्वेंट हुआ, कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज थे, या प्रीवियस टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क होती थी, ओके, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ओके, बिफोर अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक आपको ओवरव्यू ऑफ डायग्राम सिलेब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कि सपोज जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी उसके पहले क्या सिनारियो हो सकता है, या इफ कोई पर्सन होगा तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा ये सारी चीजें। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज का एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर नॉर्मली जो हमारा डेटा स्टोर करना है, ओके, उस पर्पज के लिए हम क्या करते थे, एक सर्वर मेंटेन करते थे। ओके, सर्वर फर्स्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफ सर्वर रिक्वायर्ड है तो आपको मार्केट में जाना पड़ता था, स्पेसिफिक जो सर्वर होगा, स्टैक होगा, रैक होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, बाय करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। बाय करने के बाद सेकेंड, दैट इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, ओके, ईच एंड एवरी सर्वर्स, उसके जितने भी नंबर्स ऑफ रिसोर्स है, पावर सप्लाई, ओके, जितने भी सारी चीजें सभी आपको क्या करनी है, यहाँ पे मॉनिटर करनी है एंड साइमल्टेनियसली उसको मेंटेन भी करना है। ये नॉर्मल हो गया स्टार्टअप हमारा कि हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया, आफ्टर फ्यू मंथ फ्यू ईयर देख सकते हैं जैसे लाइक जो नंबर्स ऑफ ट्रैफिक हो गया हमारे सर्वर के ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो नंबर्स ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ सर्वर्स यहाँ पे इंक्रीज करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे जो सर्वर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर लेट्स कंसिडर करते हैं कि 500 यूजर एट अ टाइम वर्क करते थे, बट जो रिक्वायरमेंट है या मेरी वेबसाइट या इंटरप्राइज है वो गोज ऑन, उसकी ग्रोथ हो गई, हाइक मिल गई उसको, तो उसके जो 500 वर्कर थे या एम्प्लॉय थे वो इंक्रीज हो गए अप टू 1000, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे सर्वर इंक्रीज करना पड़ेगा, सर्वर के साथ उसका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय या जो स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हो गए वो भी मुझे वहाँ पे एड ऑन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें मेरी बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग होता था। और क्या क्या इसके अंदर चीजें थी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल हमने यूज देखा कि बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता था, देन की कॉस्ट, ओके, इफ जस्ट लाइक हमने बोला कि 500 यूजर से या 500 एम्प्लॉय से हम 1000 एम्प्लॉय तक स्विच करें हमारे सर्वर को, तो ईच एंड एवरी टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट या कैपिटल है यहाँ पे एक्सपेंस करना पड़ेगा फॉर अ सेटअप पर्पज। एक स्पेसिफिकली जियोग्राफिकल रूम हमें रिक्वायर्ड है एक सर्वर को सेटअप करने के लिए, साइमल्टेनियसली उस सर्वर को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशलिस्ट पर्सन वहाँ पे लगने वाला है। दैट इज अ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम कैन बी, जितने भी नंबर्स ऑफ ट्रबल शूट आ रहे उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली या जो भी कॉन्फ्लिक्ट, ओके, जैसे कि प्राइस और जो सर्विस है दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये दोनों चीजें हमें क्या करना है यहाँ पे मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो बिजनेस गोल होगा तो उसको अचीव करना है। कि कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें क्या हो सकती है कि जो नॉर्मल एम्प्लॉय होगा या यूजर होगा उसको क्या चाहिए कि अच्छे से अच्छे सर्विस चाहिए विद इन लो कॉस्ट, हाई सर्विस एंड लो कॉस्ट सिमिलर जो प्रोवाइडर होगा उसको भी चाहिए, जैसे कि कम से कम सर्विस में ज्यादा से ज्यादा पैसा है, सो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो ये हमें यहाँ पे का ध्यान रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, दैट इज द सीन्स द ट्रैफिक इज बैरिंग, जैसे कि नंबर्स ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है सो सर्वर्स ऑटोमेटिकली हम क्या करें इंक्रीज करें,
तो एक आइडियल स्टेट एक आ जाएगी, जैसे कि जहाँ पे हम सर्वर को कुछ भी चेंजेस नहीं करते, या उसके अंदर जो अपडेशन हो गए या मेंटेनेंस हो गया वो कर नहीं सकते, तो उस सिनारियों में हमें क्या करना चाहिए? तो ये सो हमारे डिसएडवांटेज हो गया। तो ये सारे डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन, दैट इज अ क्लाउड। ओके, सो व्हाई वी यूज अ क्लाउड? तो फर्स्ट, जैसे लाइक आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है, लॉट्स ऑफ डेटा, वेयर डू आई स्टोर इट, रनिंग आउट डिस्क स्पेस। ओके, ये सारी चीजें आपने देखे होंगे कि जैसे लाइक आपका मोबाइल फोन होगा कि विदाउट इंटरनेट, कि जब इंटरनेट इतना फ्रेंडली नहीं था, आप यूज नहीं करते थे, ये सारी सिनारियों के अंदर ये सारी चीजें आप देखते थे, जैसे लाइक कि विदाउट इंटरनेट आपका फोन का स्पेस या लैपटॉप पीसी के फुल हो जाता था। तो फुल होने के बाद क्या नेक्स्ट हमें करना चाहिए? ओके, नेक्स्ट क्या करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता था, बट अभी हमारे पास सोल्यूशन, दैट इज अ क्लाउड। तो क्लाउड के ऊपर हम क्या करते हैं, इस सारे जो डेटा होगा हमारे, जैसे कि लोड कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीजों में हम क्या करते थे, जो भी हमारा स्पेस होगा या फाइल्स होंगी वो स्टोर करते थे, बट उसको थोड़ा सा रिकवर करना डिफिकल्ट जा सकता है, या स्टोर करना या हैंडल करना या एक स्पेसिफिकली सिक्योर रखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, क्लाउड चाहिए। ओके, तो क्लाउड क्या क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है कि फाइल्स, म्यूजिक, एप्लीकेशन, ई बुक, वीडियोज वगैरह, सारी चीजें हमें क्लाउड प्रोवाइड करे, क्लाउड पे हम ये सारी चीजें स्टोर कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए व्हाट इज अ क्लाउड, कि क्लाउड क्या है? जैसे क्लाउड के अंदर हमने बोला कि जो लोकल हमारा सिस्टम है, ओके, लोकल सिस्टम में आपका जितने भी डिवाइसेस होंगे सभी डिवाइसेस के अंदर कवर कर सकते हैं, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, ये सारी चीजें इन लिमिटेड स्पेस में है। लिमिटेड स्पेस टू कि लिमिटेड स्पेस जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गो विथ अनलिमिटेड स्पोर्ट, कि जस्ट लाइक जो हमारा नॉर्मल सिस्टम के अंदर लिमिटेड स्पेस है उसको कन्वर्ट करें इन अनलिमिटेड फॉर्मेट। ओके, अनलिमिटेड स्पेस या अनलिमिटेड मेमोरी के तरह पे हम क्या करें, फॉरवर्ड करें, कि जस्ट लाइक कि क्लाउड के ऊपर आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना डेटा आपको स्टोर करना है सारा डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो क्लाउड के देख इन द सेंस, अभी जैसे लाइक हम देख सकते हैं कि रेनी सीजन चालू है, तो ऑलमोस्ट रेनी सीजन के अंदर क्लाउड तो हर किसी ने देखा होगा। तो क्लाउड इन द सेंस जो भी नंबर्स ऑफ कीवर्ड, ओके, टेक्नोलॉजी के अंदर एक सिंपल फंडा है, याद रखो कि टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ कीवर्ड यूज होते हैं तो जो आपके डेली लाइफ से ही लिए जाए होते हैं। ओके, तो क्लाउड इन द सेंस क्या होता है कि हर किसी को विजिबल है, हर किसी को एक्सेसिबल है, इन द सेंस जो भी रेन आएगी या जो भी चीजें होंगी। ओके, कि वो हर कोई उसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो सिमिलर क्लाउड इन देंस एनी वेयर एनी टाइम कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, बट एक ही कंडीशन रहती है, इंटरनेट कनेक्शन। कि इफ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है सो आप इजीली क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसका जो यूज है यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे लाइक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज द क्लाउड, कि जो प्रीवियस हमारे टेक्नोलॉजी थी जैसे ऑन प्रीमाइसेस एंड जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करे, तो ऑन प्रीमाइसेस इन हायर पे एंड लेस स्केलेबिलिटी। फॉर सर्वर को हमें मेंटेन करना है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे कितना भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो बेसिकली मुझे 1 TB का जो सर्वर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ उसमें से मुझे फ्यू जीबी भी, इन द सेंस 5 to 10 GB भी डेटा यूज करना है, लेकिन मुझे पूरा हार्ड डिस्क परचेस करना पड़ता है उसके रिगार्डिंगली एंड उसके लिए मुझे पे करना पड़ता है। बट न क्लाउड मुझे जितना डेटा रिक्वायर्ड, इन द सेंस 5 GB, 10 GB, 20 GB, जितना भी डेटा मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ उसके लिए मैं यूज पे करूंगा। ओके, पे पर यूज, जितना मैं यूज करूंगा उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं स्केल अप एंड स्केल डाउन। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, स्केल अप करूंगा एंड जो पे करना है पे करूंगा, या मुझे रिक्वायरमेंट कम हो गई तो मैं स्केल डाउन कर सकता हूँ। बट ऑन प्रीमाइसेस क्या होता था कि जैसे कि मैंने हार्ड डिस्क खरीद ली तो उतना ही मुझे यूज करने को मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। सो ये सारी डिसएडवांटेज या कंपेरिजन दोनों में से देख सकते हैं। देन सेकेंड देख सकते जैसे लॉट ऑफ ह्यूज स्पेस फॉर सर्वर। इफ हम सर्वर क्रिएट करें तो एक जियोग्राफिकल लोकेशन हमें एक देना पड़ेगा, एक स्पेसिफिकली रूम, फ्लैट बोल सकते हैं, वहां पे उसको देना पड़ेगा एक स्पेसिफिकली स्क्वायर फुट वाला,
कितना भी 10 by 10 या 10 20 जो भी रिक्वायर्ड होगा उतना स्पेस मुझे सर्वर के लिए रखना पड़ेगा। देन उसका पावर, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। बट इन क्लाउड मुझे एक उसमें से कोई भी चीज करने की नहीं जरूरत नहीं है। नो सर्वर स्पेस इज रिक्वायर्ड, कि कोई भी स्पेस इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं, कि नॉर्मल जो आपका पीसी लैपटॉप होगा उतना ही आपको रिक्वायर्ड हो गया। इन जो भी डिवाइस है जहाँ पे आपको क्लाउड को एक्सेस करना है उतना ही डिवाइस प्लस इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज, कि उसके अलावा कोई भी चीज आपको या कोई भी स्पेस आपको रिक्वायर्ड नहीं होने वाला। अपॉइंट अ टीम फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, स्पेसिफिकली जो सर्वर होगा उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर सॉफ्टवेयर, एक पर्सन को फॉर हार्डवेयर, एक सिक्योरिटी, एक इलेक्ट्रिशियन, ओके, जितने भी मल्टीपल टास्क होंगे हर एक चीज के लिए एक पर्सन मुझे स्पेसिफिकली असाइन करना पड़ेगा। बट इन क्लाउड हमें इसी कोई भी चीज असाइन नहीं करनी, सिंपल एक पर्सन हमें चाहिए या जो खुद हो सकते हम, कि एक स्पेसिफिकली हमें क्लाउड को एक्सेस करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें आना चाहिए, कि स्पेसिफिकली वेब ब्राउजर को किस तरह से एक्सेस करें या जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होंगे तो उस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करें, उतने ही हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उतना ट्रेनिंग हमें आ जाएगा, सो हम उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्लाउड है, क्लाउड की जो सर्विसेस है, प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट द पुअर डेटा सिक्योरिटी, ओके, जस्ट लाइक सर्वर है एक स्पेसिफिक रूम के अंदर है, ये कोई वहां पे नहीं होगा तो कोई भी आके वहां से डेटा एक्सेस कर सकता है, या कॉपी पेस्ट कर दिया डेटा तो उसकी सिक्योरिटी के चांसेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग वहां पे बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जैसे कि जो डेटा सेंटर्स बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कि उसी के अंदर जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, कि जो भी डेटा होगा एक्चुअल जो ओनर होगा या जो उस हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको भी वो डेटा के बारे में पता नहीं होने वाला। कि जस्ट लाइक कि एक एग्जाम्पल लेते कि फॉर पासवर्ड का, कि नॉर्मल आप देख सकते हो जो प्रीवियस ओल्ड वाले वेबसाइट होते थे कि उसके अंदर इफ आप फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको एज इट इज पासवर्ड मिल जाता था। बट इन अ न्यू जो क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर जो वेबसाइट क्रिएट हुए, इफ उसके अंदर आप पासवर्ड डिसाइड करते हो तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट का ऑप्शन आता है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वेबसाइट होती है उसको ही पता नहीं होता कि आपका पासवर्ड क्या है। तो इफ आपका डेटा हैक हो जाता है तो डोंट वरी, जो पर्सन होगा या हैकर होगा उसको क्रैक करना वो इम्पॉसिबल है। तो ये सारा चीजें हमें क्या करिए, डेटा सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, दैट इज द लेस चांस ऑफ डेटा रिकवरी, ओके, इफ आपका सर्वर में से हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या कोई रीजन की वजह से आपका सर्वर क्रैश हो गया तो उसको रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। बट क्लाउड कंप्यूटिंग देर हैव फैसिलिटी दैट इज अ डिजास्टर रिकवरी। ओवर एंड डिजास्टर रिकवरी हम क्या कर रहे हैं, कि यूजिंग अ डिजास्टर रिकवरी से डेटा सेंटर लेते हैं, जैसे गूगल के ऑल सभी लोग फैमिलियर होंगे गूगल से, तो एक गूगल का डेटा सेंटर जैसे एक नॉर्मल एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे नहीं होगा, एक नंबर्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन सिमिलर जो सी होगा, ओके, जैसे कि बड़े बड़े जहाज होते उसके अंदर भी ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे जो डेटा सेंटर है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली इफ कोई भी नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, ओके, जैसे लाइक अर्थक्विक या कोई भी रीजन की वजह से हमारा डेटा सेंटर क्रैश हो गया तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है, कि जस्ट लाइक एट अ टाइम, कि एक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते गूगल के ऊपर तो उसके अकॉर्डिंगली जो अपडेट होंगे तीनों प्लेस के ऊपर होते हैं, या जितने भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स है हर डेटा सेंटर के ऊपर वहां उसकी रेप्लिका इन द सेंस कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली इफ कोई भी एक डेटा सेंटर क्रैश हो गया तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने वाले, सो लेस चांस टू डेटा लॉस या डिजास्टर रिकवरी एक मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है टू रिकवर योर डेटा। देन लास्ट स्लाइड इसमें से हम देख सकते हैं दैट इज व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्चुअल जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उस कंसेप्ट की तरफ आते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन द सेंस व्हाट, स्टोरिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड एक्सेसिंग डेटा। स्टोर इन द सेंस क्या होगा, आप एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल देते जैसे लाइक गूगल ड्राइव या मल्टीपल ड्राइव आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑनलाइन जहाँ पे भी आप डेटा स्टोर करते हो वो सारी चीजें फॉर स्टोरिंग डेटा। देन सेकेंड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस इन द सेंस आप डॉक्यूमेंट
पावर पॉइंट, इधर गूगल स्लाइड, गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल एक्सेल, सारी चीजें देख सकते हैं जहाँ पे आप डेटा प्रोसेस कर दिया। और भी मल्टीपल ऑनलाइन जैसे पीडीएफ कन्वर्टर होगा या कोई भी ऐसे नंबर्स ऑफ ऑपरेशन होंगे जहाँ पे आप डेटा कन्वर्जन करते हो, प्रोसेस करते हो, ये सारी चीजें हम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर देंगे। एंड लास्ट दैट इज द एक्सेसिंग द डेटा, इन द सेंस जो भी हमने डेटा स्टोर किया क्लाउड के ऊपर उसको एक्सेस करेंगे, तो सारी चीजें एक्सेसिंग द डेटा। बट एक ही चीज इसके लिए रिक्वायर्ड ऐसी है जो दिया गया जैसे इंटरनेट, ओवर दैट इंटरनेट हम वाई यूजिंग अ ब्राउजर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि दोनों वे से जो इंटरनेट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी चीजें हम ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर, ये सारी चीजें उसके डिपेंड्स ऑन टाइप्स, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्या है, सभी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, कि कौन कौन से टाइप्स उसके अंदर है एंड क्या क्या चीजें उसके अंदर होने वाले। कि फिलहाल जो बेसिक था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों है, इन द सेंस क्या प्रीवियस कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्लाउड कंसेप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने यहाँ पे इन्वेंट कर दिया। तो इफ इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सिमिलर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।